नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड फिजॉनिक। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि अपने क्वार्टर थ्री रिजल्ट की सीरीज चली थी, उसके अंदर त्रिवेणी इंजीनियर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज ही आया। रिजल्ट कैसा है उसके बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, त्रिवेणी इंजीनियर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, बेसिकली कंपनी का नाम से ही समझ रहे हैं कंपनी किस सेगमेंट की है। तो कंपनी मॉल ऑफ द फाइव सेगमेंट के अंदर है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि इस बार शुगर शेयरों के अंदर तेजी देख गिरावट देखने को मिली हमें लगातार 3-4 दिन से। क्यों? क्योंकि एक तो बजट के अंदर कोई अनाउंसमेंट नहीं है शुगर शुगर सेगमेंट के लिए, शुगर सेक्टर के लिए, सेकेंडली एथेनॉल के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है। बट टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी, जिस वजह से शुगर सेक्टरों में तेजी देखने को मिली है और तेजी अभी बरकरार रहने वाली है। तेजी कैसे बरकरार रहने, क्योंकि इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज ही है। रिजल्ट कैसा है उसके पूरे बात करेंगे और यहाँ से कैसा आउटकम होगा उसके बारे में पूरी बात करेंगे। और देखिए, मैं रिजल्ट ना पूरा डीप एनालाइज नहीं करके देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ से कितना मूवमेंट करेगा शेयर के अंदर, कैसे मूवमेंट रहेगी उसका ओवरव्यू लोग हम लोग करते हैं। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता आपकी किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो। तो चलिए बात करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इनका बिजनेस सेगमेंट है, एक शुगर के अंदर है, शुगर सेगमेंट के अंदर है, एल्कोहल के अंदर है, एथेनॉल के अंदर है कंपनी, वाटर सॉल्यूशन के अंदर है और पावर ट्रांसमिशन के अंदर है और डिफेंस के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए प्रोडक्शन बनाते हैं लाइक जनरेटर टाइप्स के। तो इस तरह के प्रोडक्शन के अंदर कंपनी है। और एथेनॉल को लेके तो थर्ड फ्यूल की बात चली रही है, एथेनॉल के लेके एल्कोहल एथेनॉल के अंदर कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। और शुगर के लिए तो तेज़ी डे बाई डे देखने को मिली इंटरनेशनल, जिस तरह से शुगर की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो कंपनी अच्छा, कंपनी कब से 1932 से कंपनी काफ़ी बड़े वेंचर के अंदर कंपनी है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है कंपनी के अंदर। अब चलिए इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज ही आया, आज अभी 11 बज रहे हैं रात के, 2 फरवरी आज के दिन पे 2 फरवरी 2022। तो रिजल्ट आउट, इसमें कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं। एक अनाउंसमेंट है, इन्होंने इंडिपेंडेंस डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र कुमार को फिर से रीअपॉइंट किया है 5 साल के लिए, ये देख सकते हैं एक अनाउंसमेंट ये है। और मिसेस एम एस सुरेश गुप्ता एंड एसोसिएशन को इन्होंने अपॉइंट करा है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, ठीक है। और अनाउंसमेंट रिजल्ट की कब आई थी, शाम को 7:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद, कल मार्केट ओपन होगी तो इसमें शेयर में तेजी की गिरावट वो भी थोड़ी देर में आपको समझ जाएगी। तो चलिए इनका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट इनकी अर्निंग्स है लैक्स के अंदर है, ठीक है ना। और टोटल अर्निंग्स देखेंगे इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में इनको टोटल इनकम हुई है ऑपरेशन और अदर इनकम मिला के 1,24,438 लाख की टोटल इनकम हुई है। और लास्ट क्वार्टर में इनकम थी 1,16,654 लाख की थी और लास्ट ईयर थी 1,13,181। तो आप देखेंगे ईयर ईयर क्वार्टर क्वार्टर में सेल में बढ़त देखने को मिली हमें। देखिए, लास्ट ईयर सेल थी 1,13,181, वो बढ़ गई 1,24,448, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर सेल थी 1,16,654, वो बढ़ के हुई है 1,24,438। देखेंगे आप क्वार्टर क्वार्टर वाई ये रिवाइज सेल में अच्छी खासी बढ़ देखने को मिल रही है। अब देखिए, इस पे एक्सपेंस की बात करेंगे इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में एक्सपेंस है 1,06,294 लैक्स का और लास्ट ईयर एक्सपेंस था 1,07,795, वो घटके हुआ है 1,06,294। तो देखेंगे एक्सपेंस में घटत देखने को मिली हमें क्वार्टर क्वार्टर वाई। और लास्ट ईयर एक्सपेंस था 99,122, तो ईयर एक्सपेंस में बढ़त देखने को मिली है, ये रही क्वार्टर क्वार्टर वाई थोड़ी बहुत घटत देखने को मिल रही है। अब इनको ऑपरेशन प्रॉफिट की बात करेंगे, तो इस क्वार्टर में इनको ऑपरेशन प्रॉफिट आया है 18,144 लाख का, लास्ट क्वार्टर में था 8,859। तो देखेंगे आप 8,859 से बढ़ के 18,144 हुआ है, यानी 2 गुना बढ़त देखने को मिली हमारे को ऑपरेशन प्रॉफिट में। और लास्ट ईयर ऑपरेशन प्रॉफिट था 1,449, वो बढ़ के हुआ है 18,144। तो देखेंगे आप 14,049 से बढ़ के 18,000, यानी कि बढ़त अच्छी खासी देखने को मिली ऑपरेशन प्रॉफिट के अंदर, ईयर ईयर वाई भी, क्वार्टर क्वार्टर वाई भी, क्वार्टर क्वार्टर वाई तो बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है हमारे को। अब यहीं पे हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट 12,711 से इस क्वार्टर में 12,711 है, तो लास्ट क्वार्टर में 6,692 था, तो बढ़त बहुत अच्छी बढ़त 50% बढ़त देखने को मिली हमारे को। और लास्ट ईयर था 9,123 तो बढ़ के हुआ है 12,711। तो ये रही है वही क्वार्टर क्वार्टर भी एक्सपेंस नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अब इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो इसका जो नेट प्रॉफिट था
देखेंगे, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है हमारे को, ऑपरेशन प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, तो बढ़त तो काफ़ी है देखिए, और सेल में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है हमें ये क्वार्टर क्वार्टर में भी, और ऑपरेशन क्वार्टर क्वार्टर में तो हमें 50% ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है 5.26, लास्ट क्वार्टर में था 2.77, तो बढ़त देखने को 3 गुना बढ़त देखने को मिली है EPS में, और लास्ट ईयर EPS था 3.75, वो बढ़ के हुआ 5.26। तो देखिए मॉरल द स्टोरी है कि इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है काफ़ी अल्टीमेट देखने को मिला, क्वार्टर क्वार्टर वाई भी और ईयर वाई भी बढ़त देखने को मिली है, और किसी तरह की कोई डिविडेंड डील नहीं है, बाकी रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है हमारे को, रिजल्ट का इम्पैक्ट क्योंकि आपने देखो इतना बड़ा प्रॉफिट यानी कि क्वार्टर क्वार्टर वाई बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, अब यहाँ से कितनी तेज़ी देखने को मिलेगी, तो 60% बढ़त देखने को मिली हमें प्रॉफिट के अंदर, मुनाफा बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर वाई भी और एरिया वाई भी अच्छा खासा है, और सेल में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अब यहाँ से कितनी तेजी होगी उसके बारे में बात करने से पहले इसका मार्केट कैप समझते हैं आज के डेट में, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड आपको BSE NSE दोनों पर रजिस्टर्ड है, तो इसका मार्केट कैप है 6,346 करोड़ रुपये का, स्टॉक PE चल रहा है इस टाइम पर 17.4 का, रिटर्न ऑफ इक्विटी ROC इसका चल रहा है 19.1% का, बुक वैल्यू इसकी 68 की, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 20.5% का, डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया है 0.67%, फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। देखिए कंपनी ने अपना कर्जा कम किया इस क्वार्टर में देखने को मिला, कंपनी ने अपनी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ मेंटेन रखी है 1.70% के हिसाब से भी, और अब उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे इस क्वार्टर में कैसी है तो वो देखते हैं। देखिए इस क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम है प्रमोटर की लास्ट क्वार्टर की जगह 68.43 सेम ही, बट यहाँ पे FIS ने अपनी होल्डिंग 2 गुना बढ़ाई है देखेंगे आप, तो लास्ट क्वार्टर में FIS की होल्डिंग 2.96 वो बढ़ के हुई है 4.51, तो बहुत बड़ा इंडिकेशन है। वहीं DIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लास्ट क्वार्टर में DIS होल्डिंग है 5.13 वो बढ़ के हुई है बाई 5.15, और पब्लिक की होल्डिंग है 21.91, तो ये बड़ा इंडिकेशन देखने को मिला है। FIS और DIS की होल्डिंग बढ़ी है बहुत अच्छा बड़ा इंडिकेशन है, और FIS ने अपनी डबल इंडिकेशन बढ़ाई है तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो देखते हैं आज के दिन इसका ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा वो देखते हैं, तो आज के दिन एक 1.11% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ आज के दिन पे, आज ये ओपन होता 266.25 पे, हाई मारा 269 रुपये का, लो मारा 261.20 का, 52 आई है 276.85 का, 52 लो है 268.80, 52 लो है 268.80 का, 5 दिन के अंदर देख सकते हमारे को 4% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 1 मंथ के अंदर 16% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 6 मंथ के अंदर 41% रिटर्न दिया इसने हमारे को पॉजिटिव में, ईयर टू डेट के अंदर 16% रिटर्न देने हमारे को पॉजिटिव में, कब से कंपनी 1932 से कंपनी रजिस्टर्ड है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट का इंपैक्ट भी देखने को मिला, कंपनी के अंदर मूवमेंट देखने वाला लास्ट 5 दिन से अंदर उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, ओनली 4% रिटर्न देने में पॉजिटिव में। अब चलते चार्ट के अकॉर्डिंग कैसा मूवमेंट देखने को मिला, तो पहले सबसे पहले हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं इसका, तो देखिए वीकली चार्ट पे भी इंडिकेशन समझ लेते हैं किस तरह के इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए वीकली चार्ट पे भी लास्ट वीक इसमें हैमर कैंडल बनी थी, और इस वीक भी एक अच्छी खासी एक कैंडल बन रही है, बट इस कैंडल के लो पे नहीं जा रहा शेयर, तो अगर हमें अभी भी बाय करना तो 255 रुपये का स्टॉप लॉस में बाइंग कर सकते हैं, और बाकी देखिए शेयर अपनी अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है, RSI सारे इंडिकेशन अभी अप ट्रेंडिंग है, कोई डाउनफॉल नहीं है, देख सकते हैं आप किस तरह से अलग ही चाल के अंदर शेयर है अपने 52 हाई से बिल्कुल पास ज़्यादा ज़रा दिन पे दिन। तो अब यहाँ पे डेली चार्ट ओपन करेंगे तो डेली चार्ट पे देखिए अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, बट यहाँ पे मैंने बताया ना 255 रुपये का अच्छा खासा सपोर्ट लगा हुआ है चार्ट के अकॉर्डिंग, बट अभी भी चार्ट पे कोई गिरावट के इंडिकेशन नहीं है। आज जो गिरा था क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट समझ नहीं आता, बाकी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, और कल इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी तेज़ी की वजह से क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, तो यहाँ से भी अगर बाय करें ना तो 255 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, तो पहला टारगेट यहाँ पे 270 रुपये का हमारा, क्योंकि ये कैंडल जो हटल है, दूसरा टारगेट 275-280, और जल्दी अपना 52 हाई भी तोड़ेगा, तो 280 तक के टारगेट मेरे को यहाँ से इंस्टेंटली देखने को मिल रहे हैं, तो पहला टारगेट 270 का, दूसरा टारगेट 275 का, तीसरा टारगेट 280 का। देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्लाइडली कल के दिन RSI हमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा, अभी 55 का वॉव चल रहा है, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और ये देखिए यहाँ पे क्रॉस मूव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 21 डेज की एवरेज मूव पूरा स्लाइडली, और बाकी ये देखिए 100 डेज 150 और 200 के MA के ऊपर अभी भी शेयर अप ट्रेड कर रहे हैं, तो शेयर के अंदर मूवमेंट बनेगा कल के दिन और तेज़ी देखने को मिलेगी यहाँ से, तो यहाँ से 255 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, 280 तक के टारगेट आपको 3 से 4 दिन में देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।